बंग भवन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाकायदा पुलिस ने दो बैरिकेड किया हुआ है ताकि वो बंग भवन की तरफ न जा सके, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा इस बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है और इस पूरे मामले में संदेश खाली को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है। आशुतोष, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में? संदेश खाली की घटना जो हुई है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आज जब हम 2024 में हैं, तो हम यह देख रहे हैं किस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर पार्टी के संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में अपराधी उनके साथ अपराध कर रहे हैं। पूरे देश का जो विद्यार्थी है, वो युवा है, वो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ में है। हम ऐसे पूरे प्रदर्शन देश में 500 से अधिक स्थानों पर कर रहे हैं। पूरा देश का जो युवा है वो उद्वेलित है कि हमारी महिलाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, हमारी बहनों के साथ किस प्रकार से दुर्भाग्य जो अत्याचार हुआ। आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर DU, JNU, जामिया के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शामिल हुए हैं, और जो वहाँ पर संदेश काले में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लोगों की जमीनें हड़पी गई हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हमारा। तो आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से एबीवीपी के जो वर्कर्स हैं वो खड़े हो गए हैं बैरिकेड पर, और बाकायदा ये दो लेयर की सिक्योरिटी है, यानी अगर ये बैरिकेड को चढ़ने में कामयाब होते हैं या और बैरिकेड तोड़ा जाता है तब ये जाकर के बंग भवन के आसपास पहुंच जाएंगे। आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन? जी हम बंगाल की संदेश खाली में जो ममता सरकार की कुममता है उसको लेकर यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपना आंदोलन। प्रदर्शन किस बात को लेकर? ममता सरकार के राज्य में जो खुद एक बेटी होकर जो कहती है कि बंगाल की बेटी है, वो वहाँ पे रेप कैसे होने देती है? मामूली सा लोकल गुंडा शेख शाहजहां को एक तालाब का मालिक, एक ऑक्सीजन सिलेंडर चलाने वाली का मालिक बनाने तक का सफर ममता कैसे है ना, उस विषय पे चुप्पी साधी हुई है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बैरिकेड है वो ये तोड़ने में कामयाब हुए हैं, और जो तमाम एबीवीपी के वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पहुंच गए हैं। बाकायदा एक बैरिकेड को नीचे गिरा दिया है, अब आगे की तरफ उनका जो जत्था है वो बंग भवन की तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार को लेकर के बीच बीच में नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुलिस ने काफी बैरिकेडिंग की है, और अमूमन आप दूसरे तौर पर आगे के छोर पर देखेंगे तो आपको वहां पर वाहन दिखेंगे, और उन वाहनों को खड़ा किया गया है ताकि कम से कम वो बंग भवन की तरफ न जा पाए। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो है पहुंच चुके हैं। बाकायदा पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है और उस वजह से यहां पर इकट्ठा होने की मनाही है, लेकिन साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शन है एबीवीपी का वो लगातार संदेश खाली को लेकर यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले कई स्टूडेंट्स जो है अलग अलग इलाकों में जा करके लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने संदेश खाली के बारे में प्रचार किया, और एबीवीपी का साफ तौर पर कहना है कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, बंग भवन, आज तक।